अलमैकम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप आई होप खैरियत से होंगे रिसेंटली um, हमने बहुत uh, एक मीडिया में तो ऑबियसली हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें किस तरह से मीडिया जो है वो इवॉल्व uh, कर रहा है और रेवोल्यूशनइज़ कर रहा है लेकिन रिसेंटली हमने कॉन्सेप्ट देखा वेब टी वी का कि uh, क्योंकि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से इंटरनेट uh, सब को एक्सेस हो गया मोबाइल में आप उसको uh, जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और अब बहुत ज्यादा आसान हो गया आपको कोई भी आ, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आपके पास मोबाइल आपके पास ट्वेंटी फोर सेवन होता है इसीलिए वेब टीवी का हमने बहुत कॉन्सेप्ट देखा और क्योंकि जो, आ, घर में जो एक रिवायती टीवी होता है ऑब्वियसली हर कोई उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता लेकिन बिकॉज़ uh, मोबाइल की वजह से अब बहुत ज़्यादा वेब टी की तरफ जो है वो रुझान आ गया uh, क्योंकि बहरिया यूनिवर्सिटी जो है उसका चैनल बी यू टी ख़ुद एक वेब टीवी है तो ऑब्वियसली हम uh, तमाम अपने कॉम्पिटिटर्स uh, को एन एट द सेम टाइम ऐसी गाइडलाइंस uh, ढूँढने की ऐसे गाइडेंस uh, लेने की कोशिश करेंगे जो कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड डे बाय डे हमें इम्प्रूव और हेल्प करने की कोशिश करेंगे वी हैव विद अस मिस्टर यासर कदीर जो कि

जो वेब टीवी का कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली फॉर द टीवी इट वेब का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके कंट्रोल में चीजें हों यू वॉन्ट टू सी द वे यू टू कंज्यूम एंड यू टू सी अब नॉर्मल टीवी आपको पता है जी दैट इज रनिंग ऑन ऑनटन शेड्यूल इफ यू यू मिस समथिंग ठीक है नहीं जी प्रॉबली यू आर नॉटी आपके लिए कन्वीनियंट ना हो कोई चीज किस वक्त देखना बट हेज द डिफरेंस आपको जब चीज देखनी है यू कैन एक्सेस

Obviously जो टेलीविजन है उसकी ऑडियंस ज्यादा होगी वेब TV तो obviously तो अगर आप किसी को बताएंगे कि ये वेब TV है आ, तो ही वो इसको अप्रोच करेंगे yeah. कितना डिफिकल्ट होता है एक वेब TV को मैनेज करना as compared टू जो नॉर्मल आपका रेगुलर TV है है yeah. देखिए इसमें ये तो मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का और मोबाइल phones की जो penetration है वो तो अब डाउन द ड्रेन आपके villages पे पहुँच गई है हुकूमत की पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि 3G सौ की पॉपुलेशन तक उन्होंने लेके जाना mm -hmm. है सो दैट इज़ द पैराडाइम जहाँ पे आप जा रहे हैं सेकेंडलीसली इट्स अ बिग चैलेंज इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी लेवल्स और डिफरेंट चीज़ें हैं बट इन द एंड द बॉटम लाइन इज़ वट कॉन्टेंट यू आर गिविंग अगर आप एक ऐसा कॉन्टेंट जो किसी के लिए यूजबल है लाइक यू सी ये कौन सोच सकता था कि लोग मोबाइल पैसा यूज़ करेंगे mm -hmm. गाँवों में बट दे आर डूइंग एस एम एस आप देखें ऐसे लोग जो लिख नहीं सकते पेन SMS आप दे दें बट दे कैन डू एस एम एस तो चीजें होती हैं आप एक 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 अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं दैट इज़ बीइंग यूज्ड एट सर्टेन पॉइंट टाइम एक चीज़ ये नंबर टू अगर आप देखें कमर्शियली तो आपके शहरों की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि कमर्शियली अवेलेबल फिर भी रहते हैं जी हाँ जी हाँ बट हैसिस यही है कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान को रेलिवेंट रहे

डिफिकल्ट नहीं है इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट क्रिटिसिज्म भी होना है उसमें तारीफे भी होनी यू लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्मे विल जस्ट गिव यू मोर कॉन्फिडेंस आई टेक इट लाइक दैट इट्स नॉट वेरी डिफिक्टई गेस इट थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि आपको ऑडियंस को uh, जब वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स hmm. करेंगे तो आपको जैसे मैनेज करने में थोड़ा होगा देखिए इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन क्या आप किसी के लिखे हुए ब्लॉग को कॉमेंट को हाउ यू टेक इट ठीक है ना जी तो दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट तो आई थिंक इफ़ यू हैव अगर आप किसी को फ्री माइंड से चीज़ को पढ़ें समझने की कोशिश करें तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल वी हैव बिन डूइंग इट इन देखिए ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहा है बट ऑलवेज़ हैपन जिंदगी में हर चीज़ में यही होता है जी ठीक है इसमें आपको इमीजिएट रिस्पॉन्स आ जाएगा उसमें डिलेड रिस्पॉन्स yeah. होता है बट इवेंचुअली इट हैपन्स स so, क्योंकि so तो हर किसी के पास मोबाइल है एक्सेस hmm. hmm. उनको है क्योंकि ये गए। uh, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो लोग वेब टीवी को देखेंगे तो आप क्या उनको, क्या, आप उनको बताना चाहेंगे किस तरह से उनको आप अपनी तरफ आ, आ, बताएंगे किस तरह से आप उनको अट्रैक्ट करेंगे पहली बात तो ये जो चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं prime tv that is specifically targeted for youth acha 18 to 35 theek hai ji having said that it's very clear ki yahi wo log hain jo technology se hui hain theek hai ji inhone ultimately trend is, has already changed अब आप dekh lein kitne log regular tv देखते हैं. तो मुझे अब convince नहीं करना. in terms of technology it's already there हाँ अब ये जरूर है कि हाउ आई क्रिएट रेलिवेंट कॉन्टेंट फॉर दैम उनका इंटरेस्ट मैंने कैसे uh, जो है फोकस करना है इस चैनल के ऊपर दैट टू हैव, यू नो विद लाइक अदर जो जो को प्रमोट भी करते हैं यूथ को सपोर्ट भी करते हैं ट्रेन भी करते हैं तो आई एम डायरेक्टली रीचिंग आउट टू दो समझते हैं कि ये चैलेंज आपको होगा या ये एक uh, मुश्किल जिसपे आप थोड़े से एक डर है या खौफ है, क्या क्या चैलेंजेस आप समझते हैं आपके लिए होंगे uh, देखिए कॉन्टेंट एक्टल चैनल चैलेंज अब जब मैं बात करता हूँ एटीन टू थर्टी फाइव की देन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वन आई से दैट ठीक है ना जी आप ये वो उम्र है जहाँ मोरालिटीज़ लोगों की डेवलप हो रही होती है एथिकल वैल्यूज सॉर्ट ऑफ डेवलप हो रही होती है तो दैट इज़ अ चैलेंज आपने एक ऐसा कॉन्टेंट देना है जिसने जो प्रो डेवलपमेंट थाट यूथ को दे उनकी एथिकल वैल्यूज़ इन्हेंस करे मोरालिटीज़ को डेवलप करे यू नो सो दीज आर द चैलेंजेस विच आर

Uh, कुछ शूट कर लेते हैं कोई चीज़ दे कम टू अस और कहते हैं जी इफ यू लाइक द आइडिया और इनफैक्ट ये मेरी लाइकनेस की बात भी नहीं है इफ़ आई थिंक कि ये आइडिया कोई पॉजिटिव चीज़ क्रिएट कर सकता है या लोगों को यूथ को ज एक जेन्यून एंटरटेनमेंट दे सकता है तो आई एल रन इट फॉर देम ठीक है ना जी तो अब आप वो देखिए कि जो एक रेगुलर चैनल में जो स्टेप्स होती हैं जाने की यू आर जस्ट स्किपिंग देम एंड यू आर इनटू द मीडिया ठीक है ना जी ना यू आप इसके लिए काम करेंटी होपुल लेगेसी चैनल से बड़ी एक इंडस्ट्री बन जाएगी तो यू आर ऑलरेडी देयर ठीक है ना जी सेकेंडली यू हैव ऑलवेज अ चांस कि यहाँ से आपको कोई पिक करे एंड आजकल की जो मेन इंडस्ट्री है यू कैन जम्पर देयर तो देर आर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज इन दैट अच्छा मुझे बताएं यूथ um, uh, uh, क्योंकि आप यूथ करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो पॉपुलेशन uh, है वो यूथ की है कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि जो आप यूथ आपके साथ काम करेगी वो क्या मैसेज देगी जो बाकी पॉपुलेशन uh, है ऑफ द सोसाइटी या क्या एक इम्पैक्ट उनका रहेगा ऑन द अदर सोसाइटी जो अदर जो हमारा जो लोग हैं या जो थोड़े बड़ी एज के लोग हैं या छोटी एज के लोग क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका उन दूसरे लोगों के उपर? हाँ जी देखिए तो यूथ कुछ भी नहीं करे अगर सिर्फ वो खुश होकर दिखा दे ना दैट गिव्स होप टू दीपल इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि यूथ अपने आपको एक ये दिखाए कि वी आर सेटिस्फाइड ठीक है देर आर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान तो जो लोग जो पर किसी भी वजह से डिप्रेस है दे गेट अ होप होपेन यूथ से इट वो यकीन करते हैं कि हाँ ये लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं हमसे ज़्यादा नए हैं अगर ये खुश हैं ये सेटिसफाई है तो ऑफकोर्स देर इज समॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड

क्या आप क्या समझते हैं क्या आप बाकी अपॉर्चुनिटीज आप क्या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे वो बाहर जाकर काम कर सकते हैं या आप अपने चैनल को रिकोगनाइज करवाएंगे इंटरनेशनल मीडिया में क्या आप समझते हैं क्या इसमें क्या आपका इनिशिएटिव रहेगा देखिए एक तो जो आपने कहा ना कि इंटरनेशनल मीडिया नो आप किस परसपेक्टिव में करिए बिकॉज मीडिया इज समथिंग विच इज़ वेरी कस्टमाइज टू अ पर्टिकुलर कल्चर इन सोसाइटी पाकिस्तान की अपनी एक डायनेमिक्स यहाँ का अपना एक मीडिया uh, इन्वायरमेंट है लोगों का देखने का सो दैट इज डिबेटेबल लेट्स लीव दैट मगर अब इंटरनेशनल एवेन्यू में आप जो कह रही हैं दिस चैनल विल बी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और खूबसूरती ये होगी कि पाकिस्तान के पीक टाइम्स के हिसाब से जो फ्रेश कंटेंट है वो पाकिस्तान की पीक टाइम्स चलेगा टाइम पे वहां के चारे साथ चारे साथ चारे ये नहीं वही होगा कि nice. पाकिस्तान में जस्ट जसगौन और यूएस में वो कोई फायदा ना होगा ठीक है ना तो एक चीज तो ये सेकेंडली वी आर प्लानिंग इन द सेकेंड फेज इसको हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे थ्रू सेटेलाइट अच्छा जी दैट इज इन द्लान बट इन द सेकेंड फेज पहले हम चाहते हैं कि 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 जिस रीजन की वजह से से हम इसको बना रहे हैं उसकी उस के हवाले हो अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि आप आ, आ, क्या youth को message देना चाहेंगे या अगर वो काम करना चाहते हैं आपके साथ क्या आप क्या डिमांड करते हैं उनसे कि if you have these qualities या ये आपके पास है तो आप हमारे पास क्वालिटी तो है

इट वॉज टू यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक इनशा आप का जो चैनल है वो कामयाब हो और आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम ये तो हमारा आज का शो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए बहरिया यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज के ऊपर बी यू के ऊपर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी इनशाला कल खुद